राजधानी जयपुर में रहने वाले सेना के एक जवान की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। काम भी तारीफ का ही किया है। दरअसल जयपुर शहर में रहने वाले भारतीय सेना के एक हवलदार ने साहस दिखाते हुए असम में पोस्टिंग के दौरान नदी में डूब रही एक महिला की जान बचा ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हवलदार को उनके आर्मी के अफसरों ने भी फोन करके बधाई दी। असम में पदस्थापित आर्मी के हवलदार अशोक भाकर ने ये साहसिक कारनामा किया है। हवलदार अशोक भाकर जयपुर के सिरसी रोड पर पांचावाला स्थित जनक विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। वो 9वीं जाट रेजिमेंट में हवलदार के पद पर हैं। पिछले कुछ अरसे से असम के बरपेटा शहर में पदस्थापित हैं। दरअसल रविवार शाम को वे अपने कैंप में मौजूद थे, तभी बाइक सवार एक युवक उनके कैंप तक पहुंचा। उसने बताया कि पादबाशी ब्रिज से गुजर रही एक महिला अचानक तेज बहाव वाली नखंडा नदी में जा गिरी है। वो डूब रही है, लेकिन उसकी जान बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अशोक और उनके साथी सूबेदार लायक राम तत्काल उसी बाइक सवार के साथ करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित घटनास्थल पर पहुंचे। वहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग नदी में डूब रही महिला की जान बचाने के बजाय मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करने में लगे हुए थे। ऐसे में हवलदार अशोक भाकर ने बिना वक्त गवाए नखंडा नदी में छलांग लगा दी और तेजी से तैरते हुए नदी में डूब रही महिला तक जा पहुंचे। उन्होंने महिला को पकड़ा और फिर उसे किनारे तक ले आए, जहां उनके साथी सूबेदार लायक राम भी रस्सी की सहायता से नदी में उतर गए। इस दौरान कुछ स्थानीय युवक मदद करने को आगे आए और फिर मशक्कत करके महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। वहां मौजूद महिलाओं ने उसे संभाला, फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। वहां मौजूद लोगों ने आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और हवलदार अशोक भाकर और उनके साथी को शाबाशी दी। इस बीच वीडियो भी वायरल हो गया। तब आर्मी के अधिकारियों तक भी हवलदार अशोक बहादुरी का वाकया पहुंचा तो उन्हें बधाई दी। जानकारी के मुताबिक करीब 40 वर्षीय महिला पादबासी कस्बे में माजकुची गांव की रहने वाली थी। उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया है। महिला ने बताया कि वो पुलिया से होकर गुजर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वो संतुलन खो बैठी, सीधे पानी में जा गिरी। वो मरना नहीं चाहती थी। महिला के बारे में जब मामला सोशल मीडिया पर आया तो परिवार ने भी सैनिकों का आभार जताया। जान बचाने वाले सैनिकों का कहना था कि अधिकतर लोग वहां खड़े वीडियो बना रहे थे और महिला जान बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन लोग पानी में कूदकर महिला की जान बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। गनीमत ये रही कि महिला को सही समय पर मदद मिल गई, नहीं तो जान जा सकती थी।